Hello, good morning, South Asian Hope Church, and brothers and sisters in Jesus Christ. May God bless you all. And I hope in our Heavenly Father and Triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, that you are all. Safe and sound with your families, and your loved ones are also safe in God's hand, and also He is watching upon you, and His mighty angels are ministering you. And it's my earnest prayer that may God bless you all, and every day when you are. Uh, with me and uh, reading and uh, meditating upon the Word of God. May the Word of God change your lives and enrich you with faith. And you will focus your eyes upon the Lord our God, our Heavenly Father, who is our provider and who is our sustainer. Mr. Yesume, Mary -Aziz, साउथ एशियन होप चर्च आप सब जो हर रोज़ मेरे साथ खुदा के कलाम को पढ़ते और उस पर मेडिटेशन करते हैं और फिर हम दुआ में वक्त गुजारते हैं मेरी दिली दुआ है कि इस वक्त के वसीले से जो आप खुदा के साथ गुजारते हैं आपकी ज़िंदगी में एक अजीम तब्दीली एक रिवाइवल और एक अवैकनिंग आए और आप अपने ईमान में मजबूत होते चले जाएं उसमें तामीर होते जाएं और उसमें जड़ पकड़ते जाए खुदा का शुक्र हो उसके नाम की तारीफ़ हो जिसने आज फिर हमें वक्त दिया है कि हम उसके कलाम पर ध्यान दे सकें और आज मैं आपके साथ पांचवीं, छठी और सातवीं आयत तलावत करूँगा रोमन्स चैप्टर वन वर्सेस फ़ाइव सिक्स एंड सेवन। रोमन्स चैप्टर वन वर्सेस फ़ाइव सिक्स एंड सेवन मुकदस पारूस रसूल का रोमा की कलिशिया के नाम लिखा गया ख़्तु तो उसका पहला बाप उसकी पाँचवीं छठी और सातवीं आयत रोमियों पहला बाप पाँचवीं छठी और सातवीं आयत और मेरी आप सब से आज फिर गुजारिश है अल्तवास है कि आप खुदा के पा कलाम को ज़रूर मेरे साथ खोलें ताकि हम खुदा के पा कलाम को पढ़ने के वसीले से सुनने के वसीले से और उस पर अमल करने के वसीले से बरकत पाएँ ज़रूर खुदा के कलाम को आप मेरे साथ खोलें और मैं यहाँ पाँचवीं आयत से आपके लिए तलावत करूँगा जिसकी मार्फत हमको फज और रसालत मिली ताकि उसके नाम की खातर सब कौमों में से लोग ईमान के तब हों जिन में से तुम भी यसमुसी के होने के लिए बुलाए गए हो उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकदस होने के लिए बुलाए गए हैं हमारे बाप खुदा और खुदा युसी की तरफ से तुम्हें फजल और इतमान हासिल होता रहे एंड आई एम गोइंग टू रीड आल्सो वर्सेस इन इंग्लिश रोमन चैप्टर वन वर्सेस फाइव टू सेवन थ्रू होम वी हैव रिसीव्ड ग्रेस एंड टू ब्रिंग अबाउट द ओबीडियंस ऑफ फेथ फॉर द सेक ऑफ हिज Name among all the nations, including yourself, who are called to belong to Jesus Christ, to all God's beloved in Rome, who are called to be saints. Grace to you and grace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Amen. Azizu, we and I with खुदा मुद्दस मसीह कौन है और मैंने ये बात भी आपके साथ शेयर की थी कि ये एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब हर एक मसीही को आना चाहिए ताकि जब उससे ये सवाल किया जाए या उससे कोई पूछे कि मसीह कौन है जीसस कौन है तो हु इज़ अ जीसस क्राइस्ट तो उसे उसको जवाब उसका जवाब उसको मालूम होना चाहिए और आज मैं थोड़ी आ, देर के लिए चंद एक और बातें उसी सिलसिले में उसी तसलसल में या उसी कंटिन्यूशन में आपके साथ करना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट इज़ सन ऑफ गॉड एंड यस्टरडे आई यू दैट जीसस क्राइस्ट इज़ अ फुली मैन एंड फुरी गाड हंड्रेड परसेंट गाड एंड हंड्रेड परसेंट मैन तो आज हम यह सीधे जीसस इज द डिवाइन सन ऑफ गाड एट द सेम रीज़न आ जूस टू किल हिम यानी खुदासी जो है उसके बारे में हम सीखते हैं कि जीसस इज़ द डिवाइन सन ऑफ गॉड, यानी वो खुदा का क्या है बेटा है अल्लाह ही खुदा का बेटा है और फिर हम यहाँ पर सीखते हैं कि यही वजह थी कि जो यहूदी थे वो उसे कत्ल करना चाहते थे यहूदी जो हैं वो उस पर यही इल्ज़ाम लगाते थे कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहकर अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है और ये यह यहूदियों के नज़दीक जो है ये ब्लास्फेमी थी और हम जब युना की झील के पांचवें बाप को देखते हैं तो पांचवें बाप की अठारहवीं आयत में हम अपने लिए इस तरह से जो है वो देखते हैं यहुना की झील का पांचवा बाप और उसकी अठारहवीं आयत जॉन चैप्टर फाइव वर्स एटीन तो आठवीं सॉरी अठारहवीं आयत में लिखा है इसी सबब से यहूदी और भी ज़्यादा उसके क़त्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फ़क्त सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कह कर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है दिस द जीजस दिस वाई सॉट ऑल मोर टू खेल हिम बिकॉज ही नॉट ओनली ब्रोक द सेबत बट आल्सो कॉल गाड हिज ओन फादर मेकिंग हिम सेल्फ एक विद गाड वो खुदा के बराबर अपने आप को बनाता है और यह बात जो थी ये यहूदियों के नज़दीक जो है वो बेस फैमी थी फिर हम यह बात सीखते हैं पॉल डिक्लेयर डेट जीजस इज गाड यहाँ तक नहीं है पालूसरसू ने यह कहा कि वो खुदा है क्यों मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि खुदा खुदासमसी जो है वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था और जब हम रोमियो के खत को पढ़ते हैं रोमियो का खत द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नाइन द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नाइन वर्स फाइव तो नावे बाप की जो पांचवी आयत है रोमियों नाव बाब और उसकी पांचवी आयत को जब मैं आपके साथ पढूं तो वहाँ इस तरह से खुदा के कलाम में पांचवी आयत में लिखा है और कौम के बुज़ुर्ग उन्हीं के हैं और जिसके से मसीह भी उन ही में से हुआ जो सब के ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है आमीन वर्स फाइव जो है मैंने आपके साथ पढ़ी इंग्लिश में पढ़ूंगा टू डेम बिलोंग टू अ पैट्रियोक्स एंड आफ देयर रेस अकॉर्डिंग टू द फ्लैश इज द क्राइस्ट गाड हु इज ओवर ऑल बी ब्लेसड फॉर एवर ए मैन तो यहाँ रसूल कहता है कि खुदा मंद जो है वो खुदा का बेटा है और वो खुदा है और फिर हम अगर अब्रानियों के ख़त को देखते हैं द बुक ऑफ हिब्रज़ चैप्टर वन वर्स थ्री तो मैं आपके साथ अब्रानियों के खत में से उसके पहले बाप की जो तीसरी आयत है उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ हिब्रज़ चैप्टर वन वर्स थ्री तो तीसरी आयत में लिखा है वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है वो गुनाह को धोकर में बाला पर किब्रिया की दहनी तरफ जा बैठा वर्स थ्री ही रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड बेर्स द वेरी स्टैम ऑफ हिज नेचर अप होल्डिंग द यूनिवर्स बाय हिज वर्ड्स ऑफ़ पावर व्हेन ही हैड मेड प्यूरिफिकेशन फॉर सिंस ही सेट डाउन एट द राइट हैंड ऑफ द मैजेस्टी ऑन हाई तो यहाँ हम खुदावन के कलाम में जो है वो अपने लिए जो है ये बात सीखते हैं कि खुदान यसमसी जो है वो एक अल्लाही शख्सियत था और वो खुदा के कादर का खुदा मुतलक बाप की दहनी तरफ मौजूद है क्योंकि वो मर गया दफन हुआ तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा चालीस दिन तक अपने शागिरदों को नज़र आता रहा और फिर अपने शागिरदों के सामने वो आसमान पर उठा लिया गया तो हम सी के बारे में ये सीखते हैं क्राइस्ट इज विजिबल एमज ऑफ द इनविजिबल गॉड गाड तो खुदाम सी जो है वो खुदा जिसको हम देख नहीं सकते हैं वो उसका एमज है और हम जब कुर्सियों के खत को देखते हैं उसके पहले बाप को द बुक ऑफ क्लाशंस चैप्टर वन वर्सेज फिफ्टीन टू तो सेवनटीन कुर्सी के नाम पारूस रसूल का खत और उसका पहला बाप और पहले बा की पंद्रहवीं और पंद्रह आय से सत्रह आय तक क्लाशन चैप्टर वन वर्स फिफ्टीन तो टू सेवनटीन वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक से पहले मालूद है क्योंकि उसमें सब चीज़ें पैदा की गई आसमान की हों या ज़मीन की देखी हों या अनदेखी तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारा सब चीज़ें उसके वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई और वो सब चीज़ों से पहले है और उसमें सब चीज़ें कायम रहती हैं ही इज द इमेज ऑफ द इन विजिबल गाड द फर्स्ट बॉर्न ऑफ ऑल क्रिएशन फॉर इन ऑल क्रिएटेड इन एंड ऑन अर्थ विजिबल एंड whether thrones आर डोमिनियंस आर प्रिंसपैलिटीज Our authorities, all things were created अ थ्रू हिम एंड फार हिम ही इज बिफोर ऑल थिंग एंड हिम एंड इन हिम ऑल थिंगस होल्ड टूगेदर तो यहाँ हम ये बात सीखते हैं कि सारा अख्तियार जो है उसका जिक्र किया गया है कि वो खुदा यसमसी जो है उसका मालिक है और खुदासमसी ने ये कहा भी था कि ये अख्तियार मैं किसी से छीन कर नहीं लेता ये अख्तियार मुझे मेरे बाप की तरफ से दिया गया है So, हम यहां यह बात सीखते हैं गॉड द फादर इज डी यानी खुदाई कदूस, खुदा बुजुर्गो बरतर जिसे हम आसमानी बाप यानी जिसे हम हेमली फ़ादर कहते हैं वो जो है एक अल्ला जो है वो अलहत वो अलही है और इसी तरह से हम सीखते हैं गाट द सन इज़ डी ए टी और खुदा का बेटा खुदासमसी भी जो है वो डी एटी है वो भी जो है अल्लाह ही है गाट द होली स्परिट इज़ आल्स डी यानी यानि आरूहलक जो है वह भी जो है अलोहीत है और और हम जब डी का लफ्ज़ जो है पढ़ते हैं तो उसका मतलब है डिवाइन नेचर जो जिसका मतलब है कि खुदा की भी डिवाइन नेचर है खुदा के बेटे खुदा की भी जो है वो डिवाइन नेचर है और कुद्स की भी जो है वो डिवाइन नेचर है बट अगेन दे आर नॉट थ्री दे आर वन गार्ड क्योंकि बास लोग ये कहते हैं कि मसीही जो हैं जो ट्रिनिटी पर यकीन रखते हैं जिन्हें ट्रिनिटेरियन भी कहते हैं वो तीन खुदा उनको मानते हैं वी डू नॉट बिलीव इन थ्री गाड वी बिलीव इन वन गार्ड वन गार्ड इन थ्री पर्सन सो अजीजो हम यहाँ पर जो है इससे आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पांचवी याद में लिखा है जिसकी मार्फत हमको फजल और रिसालत मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों वर्स रोमन चैप्टर वन वर्स फाइव थ्रू होम वी हैव रिसिव ग्रेस एंड अ टू ब्रिंग अबाउट द ओबीडियंस ऑफ फेथ फॉर द सेक ऑफ हिज नेम अमंग ऑल द नेशंस तो यहाँ पर जो है वो फजल का जो है जो है, है जिक्र किया गया है और जब हम फजल जिसको हम इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं जब हम उसको देखें तो ग्रीक वर्ड जो उसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो है चैरियस तो जब हम इसके मानी जो है ग्रेस के देखते हैं वह है द अनमेरिटेड फेवर विच शोन टू फेवर यानी हम सीखते हैं कि जब खुदा ने गुनागार इंसान पर जो है वो फौज किया है उस पर रहम किया है या उसके लिए अपने बेटे खुदाम यूस मसीह को कुर्बान किया है मसीह को फिदिये के तौर पर दिया है तो हम यहाँ ये बात सीखते हैं कि ये अनमेरिट था ये मेरिट नहीं था यानी कोई शख्स भी जिसने मसीह खुदावन की कुर्बानी के वसीले से गुनाहों से मुआफ़ी हासिल की वो उसका मेरिट नहीं था यानी वो उसका इस्तेकाक नहीं था वो उसका हक नहीं था ये खुदा का फजल था और इसीलिए इसे फजल या ग्रेस कहा जाता है ग्रीक में से चैनिस्ट कहा जाता है द अनमेरिटेड फेवर विच शोन टू सिनर्स एंड गिफ्ट गार्ड्स अनमेरिटेड सैलवेशन इन जीसस क्राइस्ट तो ये क्या है गाड्स गिफ्ट ऑफ अनमेरिटेड सेलवेशन इन जीसस क्राइस्ट ये खुदा का फजल क्या है यह खुदा का गिफ्ट है यह खुदा की तरफ से ईमानदारों को इनाम मिला है कि उनको अनमेरिटेड सेलवेशन जो है वो मिली है यानी गुनाहों की मुआफी के वो हकदार नहीं थे लेकिन खुदा ने उनको जो है वो मुआफी दी है यानी हम यहाँ ये बात सीखते हैं जब हम फजल की बात करते हैं जब हम ग्रेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो हम डिज़र्व करते थे वो खुदा ने हमें नहीं दी है यानी जो चीज़ हम डिज़र्व करते थे वो खुदा ने हमें नहीं दी हम डिज़र्व क्या करते थे हम डिज़र्व अदालत करते थे हम डिज़र्व जो है वो पनिशमेंट करते थे हम डिज़र्व जो है जो गुनाह की मजदूरी मौत है हम वो डिज़र्व करते थे और ख़ुदा ने हमें वो नहीं दी जिसे हम ग्रेस कहते हैं और जिसे हम फजल कहते हैं और आगे चल कर जब हम देखते हैं तो फिर जो है वो रसालत का जो है वो जिक्र किया गया है अपोसल जो है उसका जिक्र जो है वो किया गया है और जब हम अपोसल की बात करते हैं तो मैंने कल भी आपके साथ ये शेयर किया था कि रसूल या अपोसल जो है उसका मतलब द वन सेंट यानी जो भेजा गया है और हम यहाँ ये यह बात सीखते हैं ऑल दो दर्म अपास वे यानी बारह वो शगिर जिनको खुद मसीह ने चुना था कि वो उसके साथ रहें और वो अंजील की मुनादी करें और वो बीमारों को शिफा दें और वो मुजात जो है वो करें और, और उनके लिए ये इस्तेमाल होता था इन ब्रॉडर लेस ऑफिशियल सेंस इट कैन डिस्क्राइब एनी वन गॉड गार्ड हैजेंट विद मैसेज ऑफ सेलवेशन अगर हम इसको जो है ब्रॉडर सेंस में देखते हैं तो हर वो शख्स जिसको खुदा ने जो है इस मैसेज के साथ जो है वो भेजा है कि वो जाकर निजात का पैगाम लोगों को दे जो शख्स जो है वो भेजा गया है खुदा की तरफ से खुदाए खुदाए सालूस की तरफ से ट्रायून गार्ड की तरफ से जो है वो भेजा गया है निजात के मैसेज के साथ हम यहाँ ये यह बात सीखते हैं कि वो रसूल है और अगर हम इमाल की किताब उसके चौदवे बाप की चौदहवीं आयत को पढ़े इमाल की किताब और उसका चौदह बाप एक्सप्टरवी आयत मैं आपके साथ पढ़ूंगा आयत में लिखा है जब बरनबास और पालूस रुस। पालूस रसूलों ने यह सुना तो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों के लोगों में जा कूदे और पुकार कर और पुकार पुकार कर कहने लगे के लोगो तुम ये क्या करते हो हम भी तुम्हारे हम तबियत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं ताकि इन चीजों से कनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया है यानी हम देखते हैं कि ये जो है रसूल की जिम्मेदारी है वर्ष फोर्टीन एंड फिफ्टीन अटॉस एंड पॉल होल्ड ऑफ इट They tore their garments and rushed out among the multitude, crying, Men, why are you doing this? We also are men of like nature with you and bring you good news that you should turn from these vain things to living God who made the heavens and earth and the sea and all that is in them. उन्होंने कहा हमारी हसीयत तो यह है कि हम तुम्हारे दरमियान जो है वो खुशखबरी लेकर आए हैं हम तुम्हारे दरमियान निजात का पैगाम जो है वो लेकर आए हैं उन्होंने कहा क्योंकि कहने लगे लोगों तुम ये क्या करते हो हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं ताकि उन बातल चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो यानी एक जो रसूल है जो भेजा हुआ है उसकी जिम्मेदारी क्या है पहली बात वो खुशखबरी यानी अंजील यानी गास्पल जो है वो सुनाए फिर उसके बाद लिखा है कि वो क्या करे ता वो लोगों को नसीहत करे कि उन बातल चीजों से किनारा करें और उससे कनारा करके जिंदा खुदा की तरफ आए यानी दुनिया की तरफ से और उन बातल चीजों से जिनमें कोई सच्चाई नहीं है जिनमें कोई हकीकत नहीं है जिनमें कोई रियलिटी या ट्रूथ नहीं है उनको तर्क करके जिंदा खुदा यानी लिविंग गार्ड की तरफ जो है वो रुझू लाए और फिरे और जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ है उनमें पैदा किया उस खुदा की तरफ जो कायनात का मालिक है जो कायनात का क्रिएटर है जो कायनात का बनाने वाला है उसकी तरफ जो है वो रसूल की जो जिम्मेदारी जो है है वो वो ये कि खुशखबरी के साथ यानी निजात के पैगाम के साथ लोगों के पास जाए और लोगों को तलकीन करे खुदा के कलाम की रूह से कि वो जिंदा खुदा की तरफ फिरें जो खालिक है और जो बनाने वाला और जो छुड़ाने वाला है और फिर इसके बाद जब हम यहाँ रोमियो के खात में देखते हैं तो यहाँ जो है पांचवी आयत में हमने फजल का जिक्र सुना रिसालत का जिक्र सुना और उसके बाद क्या ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों क्या करें लोग ईमान के ताबे हों पांचवी आयत के आखिरी हिस्से को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो है वो लिखा है हिज नेम अमंग ऑल नेशन तो तमाम कौमों से जो है वो लोग जो है वो क्या करें पांचवी लिखा है थ्रू faith ग्रेस एंड टू ब्रिंग अबाउट name फेथ फॉर the नेशन ओबीडियंस ऑफ फेथ यानी ईमान की ताबेदारी क्योंकि यहां पर लिखा है ईमान के ताबे रहो और ईमान की ताबेदारी का जिक्र वहां पर किया गया है कि हमने ईमान की ताबेदारी करनी है थ्रू सेविंग फेथ ऑलवेज प्रोड्यूस एंड सब मिशन टू दॉर्ड शिप ऑफ जीजस अब जो ट्रू से जिसका जिक्र हम यहां पर सुन रहे हैं लिखा कि लोग ईमान के ताबे हूं उस ईमान के बारे में ट्रू सेविंग फेथ ऑलवेज प्रोड्यूस ओबीडियंस एंड सब मिशन टू द लॉर्डशिप ऑफ जीजस यानी जो ईमान है हकी ईमान है उसके बारे में सीखता है वो क्या करता है प्रोड्यूस ओबीडियंस ताबेदारी और सबमिशन यानी ताबे हो जाना ताबेदारी और ताबे, ताबे सबमिट कर देना किसके लॉर्ड द लॉर्डशिप ऑफ जीजस मसीह की ताबेदारी में आ जाना क्योंकि वो हमारा खुदा बंद है और उसकी ताबेदारी में जो है वो आ जाना ये ईमान जो है हमें सिखाता है और एक जो रसूल है या एक जो खुदा का खादम है जो खुदा की खदमत के लिए बुलाया जाता है और फिर भेजा जाता है क्योंकि तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो किस तरह सुने जब तक कुछ सुनाए ना वो सुनाए कैसे जब तक भेजे ना जाए तो हम यहां पर ये जो है वो कॉल का यानी बुलाए जाने का जिक्र जो है वो सुनते हैं और जब वो बुलाया जाता है और फिर जब वो भेजा जाता है मखसूस किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों को ईमान में कायम रहने के लिए जो है वो तल, त, जो है तलकिन करें और Obedience of faith. और हम यहां आज अब सोलवा के खात का सोलवा उसकी उन्नीसवीं और छब्बीसवीं आयत को देखते हैं रोमियो के खात में से बुक ऑफ रोम चैप्टर सिक्सटीन वर्स नाइनटीन पहले मैं उन्नीसवीं आयत आपके साथ पढ़ूंगा क्योंकि तुम्हारी फिल्मरदारी सब में मशहूर हो गई है इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूं लेकिन यह चाहता हूं कि तुम नेकी के अतबार से दाना बन जाओ और बदी के अतबार से भोले बने रहो रसूल रोमिया की रोम की कलिसिया को नसीहत कर रहा है और मैं इंग्लिश में उन्नीसवीं यानी नाइनटीन वर्ष आपके लिए पढ़ता हूं फॉर वायल योर ओबीडियंस इज नोन टू ऑल सो डेट आई जो ओवर यू आई वुड गॉड गुलियस एज द वट इज ईवल तो हम यहां पर जब है जब छब्बीसवीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है मगर इस वक्त जाहिर होकर खुदा अजली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के जरिए से सम कौमों को बताया गया ताकि वो ईमान के ताबे हो जाए बट इट इज नाउ डिसक्लोज एंड थ्रू द प्रोफेटिक राइटिंग इज मेड नोन टू ऑल द नेशंस According to to the 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 command of the Eternal God to bring about the obedience of faith, तो यहाँ ईमान की ताबेदारी का जिक्र जो है वो हम सुनते हैं और हमें ईमान में मजबूत रहने की जरूरत है और फिर आगे चलकर हम यहाँ सीखते हैं जब सातवीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखे मुकदस होने के लिए बुलाए गए आयत का जो आखिरी हिस्सा है मकसद क्या है क्यों जो है बुलाए गए हैं क्यों खुदा लोगों को बुलाता है क्योंकि चर्च जो है ये बुलाए हुए जो लोगों की जो जमात है और हम यहाँ मन के कलाम में जो है वो इस बात को जो है वो अपने लिए सीखते छठी याद में लिखा है जिनमें से तुम भी यसु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो छठी याद में लिखा है इंक्लूडिंग योर सेल्फ हु आर खाल टू बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट तो यहाँ लिखा यसु मसीह के होने के लिए जो है वो बुलाए गए हैं तो जब हम यहाँ इस आयत को जो है देखते हैं और यहाँ लव्स कॉल का जो है उसको देखते हैं तो हम यहाँ एक बात जो है वो अपने लिए सीखते हैं कि गार्ड्स अफेक्चुअल कॉल ऑफ इलेक्ट सिनर टू सल्वेशन ये कॉल क्या है जिसका जिक्र यहाँ रसूल कहता है यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो ताकि तुम गुनाह अलुदा जिंदगी को छोड़कर रास्ताबाजी में जो है वो दाखिल हो जाओ किसके लिए उसने बुलाया है ताकि हम क्या करें हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी को छोड़कर रास्तबाजी की ज़िंदगी में जो है वो दाखिल हो जाए क्योंकि तो खुदा के कला में लिखा है कि उसने हमें तारीकी से निकाल कर रोशनी में और मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल किया है हर वो शख्स हर वो मसीहि जो मसीह पर ईमान रखता है जो अपने बुलाए जाने पर ईमान रखता है उसको ये जान लेना चाहिए कि वो किस मकसद के लिए बुलाया गया है और क्यों बुलाया गया है और उसके बुलाए जाने में हुआ क्या है उसकी जिंदगी में काम क्या हुआ है उसकी जिंदगी में काम यह हुआ है कि वो तारीकी यानी अंधेरे से निकलकर रोशनी में दाखिल हो गया है और मौत से निकलकर जिंदगी में जो है वो दाखिल हो गया है और अजीजों हम यहां खुदा के कलाम में जब सातवीं आयत को देखते हैं तुम्हें लिखा है सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकदस होने के लिए बुलाए गए हैं तो लिखा है के लवेड ऑफ गॉड कॉल्ड एज ए सेंट्स यानी बिलवड खुदा के प्यारे हैं जिनको खुदा ने बुलाया है वो खुदा के प्यारे हैं अजीजों आप जितने आपने आप को मसीही कहते हैं या जितने आप अपने आप को चर्च कहते हैं चर्च मेंबर्स कहते हैं आपको ये जानना चाहिए कि आप खुदा के प्यारे हैं और फिर दूसरी बात यह है कार्ल एज ए सेंट और मुकदस होने के लिए पाक होने के लिए आप जो है वो बुलाए गए हैं और ऐसी हम यहाँ खुदावन के कलाम में जब आज इस हकीकत को सीखते हैं गॉड हैज सेट हिज लव ऑन हिज ओन यानी खुदा अपने प्यारों से क्या करता है मोहब्बत करता है और फिर हम सीखते हैं यहां पर ना सिर्फ खुदा अपनों से प्यार करता है बल्कि खुदा उनसे मोहब्बत करता और उन्हें संभालता उनकी हिफाजत करता है दूसरी बात है ही हैज एक्सटेंडेड टू देम नॉट ओनली द जनरल एक्सटर्नल इन्विटेशन टू बिलीव दल उनको किसके लिए बुलाया गया है कि वो घासपल यानी अंजील पर ईमान लाएं और अंजील पर ईमान लाकर खुशखबरी पर ईमान लाकर वो खुदा का जलाल अपनी जिंदगी से जाहिर करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस और तीसरी बात यह है गाड है अपार्ट फ्राम सिंह ऑन टू हिमसेल्फ सो डेट दे आर होली वंस तीन बातें जो हैं वो होती हैं जब हम ये कहते हैं कि हम बुलाए गए हैं पहली बात कि गाड हैज सेट हिज लव ऑन हिज ओन खुदा अपनी मोहब्बत का उन पर इसहार करता है दूसरी बात मैंने आपके साथ यहां पर जो है वो शेयर की कि जब हमें बुलाया गया तो बुलाए जाने का मकसद क्या है ही एक्सटेंडेड टू दैम नॉट ओनली द जनरल इन्विटेशन उन्हें एक जनरल इन्विटेशन नहीं दिया गया है एक्सटर्नल इन्विटेशन एक्सटर्नल इन्विटेशन है टू बिलीव द गॉस्पल ताकि वो खुशखबरी पर क्या करें ईमान लाएं और तीसरी बात गॉड हैज सेट बिलीवर्स अपार्ट फ्रॉम सिन यानी गुनाह से उनको अलहदा जो है वो कर दिया है सिन अन टू हिमसेल्फ अपने लिए उसने गुनाह से अलहदा कर लिया है सो डेट दे आर होली वन ताकि वो मुकदस बने अजीज हम खुदा का शुक्र करते हैं खुदा मुनसी के लिए खुदा बाप के लिए और क्योंकि खुदा बाप ने अपने फजल से अपने रहम से अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आपको और मुझे और दुनिया के ईमानदारों को मसीहों को बुलाया है और उनको इनविटेशन दिया है कि वो अंजील पर ईमान लाए उनसे वो मोहब्बत करता है और उन्हें उसने गुनाह भरी जिंदगी से अलग करके मुकदस होने के लिए पाक होने के लिए बुलाया है खुदा उनकी सलामती आपके साथ रहे और आप अपने बुलाए जाने पर हमेशा निगाह करें गौर करें और उसमें कायम रहें ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बने अजीज वक्त हम दुआ में वक्त गुजारेंगे और हम खुदा के सामने अपनी मुनाजातें रखेंगे और खुदा से अपने लिए अपने ख़ानदानों के लिए अपने प्यारों के लिए और हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और अपने शहर स्टेट मुल्क और दुनिया भर के लिए सलामती की दुआ करेंगे आइए हम खुदा उनके सामने चुके और दुआ करें मसीह यसू में हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते और तेरी तारीफ़ करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए और इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो खुदा तूने ने हमें दिया कि तू ने हमें अपने बेटे खुदासमसी के वसीले से बुलाया है तूने हमें अपने लिए पाक किया है और तू हमसे मोहब्बत करता है और खुदा हम तुझ में हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद रखते हैं अब आप, आप हम तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त ऑनलाइन थे और जो तेरे कलाम के वसीले से खुदा जिन्होंने बरकत पाई और खुदा यकीन इस वक्त से तुझे इज़्ज़त और जलाल और हम सबको खुदा बरकत मिली और उन सब को भी जो इसके बाद इस मैसेज को सुनेंगे अहबाप हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाज़िर हैं और हम खुदा इस वक्त अपने शहर के लिए अपनी स्टेट के लिए और अपने मुल्क के लिए तेरी सलामती की दुआ करते हैं और खुदा हम अपने इस शहर में और स्टेट और मुल्क में खुदा में तेरी सलामती और तेरे खुदा हिफाजत के लिए मिन्नत करते हैं और चाहते हैं कि दिन और रात तेरी आंखें लगी रहें और बाप इस वक्त हमारी दुआ है कि खुदा तू हमारे इस शहर स्टेट और मुल्क से खुदा खुदांद कोरोना वायरस की जो मौजूदगी है उसको ख़ुदाम तू खत्म कर क्योंकि तू एक पल भर में सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वापस मानी बख्श दे कि हर तरह का खौफ व ख़तर और खौफ हराज खुदा हमारी जिंदगियों से दूर हो और खुदा हर इंसान खुदा आज़ादी का सांस ले और वो तेरी कुदरत को जाने जिस तरह खुदाम तु ने अपनी कुदरत को मिस्र में जाहिर किया इस वक्त खुदा हमारे शहर स्टेट मुल्क और दुनिया भर में अपनी कुदरत का अपनी ताकत का और अपनी कुत का मुजाह कर और ख़ुदांद हम जानते हैं कि इस वक्त जो भी कोरोना वायरस से बचने के लिए तदबीरें हैं खुदा वो उसी वक्त का साबित होंगी जब खुदा तू अपना फजल करेगा और जब तू अपने आसमान से हुक्म सादर करेगा और तू अपने आसमान से आ खुदांद अपने लोगों पर रहम और फजल करेगा और इसका खात्मा उसी वक्त होगा जब तू अपने आसमान से आग को नाजिल करेगा अब आप हम इस वक्त मिन्नत करते हैं न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए हम दुनिया भर को तेरी सलामती के स्पुरद करते हैं हम तेरी हिफाजत और तेरी पनाह में देते हैं और चाहते हैं कि खुदा तेरा आसमान एक एक के लिए खुदा खुला रहे एक पर खुदा तेरी राहमत और तेरा फजल खुदांद रहे और दुनिया भर के ममालिकुदा इस वबा से रिहाई पाए और इस वक्त खुदा मिन्नत करते हैं कि दुनिया भर में डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम खुदांद जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं और वह तमाम लेबोरीज जहाँ पर खुदाम इसकी मेडिसिन के लिए वैक्सीनेशन के लिए खुदाम दिन और रात काम होता है उन सब को खुदाम हम तेरी सलामती के स्पुरद करते हुए मिन्नत करते हैं कि खुदाम तू अपना फजल कर तू अपना रहम खुदा कर और खुदाम तू अपना रहम करके उनकी काविशों को उनकी कोशिशों को खुदा बाबरकत बना क्योंकि खुदाम सब कुछ तेरे हाथ में है इंसानों के हाथ में तो कुछ नहीं इंसान तो तेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें तो इंसानी शफा के लिए ख़ुदा इस्तेमाल करता है इंसान की बेहतरी के लिए ख़ुदा तो उन्हें इस्तेमाल करता है अयसमानी हम इस वक्त मिन्नत करते हैं खुदाम इस मुल्क में जहाँ कहीं हमारे प्यारे हैं हमारे अजीज़ हैं हमारे दोस्त हैं हमारे रिश्तेदार हमारे बहन भाई हैं वो खुदा हम तेरी सलामती और तेरी हिफाजत में रहें और इस मुल्क से बाहर हम अपने आबाई वतन पाकिस्तान में भी अपने ख़ानदानों को अपने अजीज वकारब को अपने रिश्तेदारों को प्यारों को बहन भाइयों को ख़ुदा हम तेरी सलामती और तेरे फाजिल के स्पुरद करते हैं और हम खुदांद उनकी सलामती के लिए दुआ करते हैं और उनकी ज़रूरतों के पूरा होने के लिए मिन्नत करते हैं और इसी तरह से हम खुदा हिंदुस्तान के लिए इंडिया के लिए भी दुआ करते हैं और वहाँ मौजूद खुदा हम अपने अजीज़ों को और खुदा हम तमाम उस नैश को और तमाम मसीहों को खुदाम तेरी सलामती और तेरे फर्ज और तेरे राहम की स्पुरद करते हैं हम दुनिया भर में खुदा दुनिया भर के मुमालिक के लिए ममालिकिएदाम तेरी सलामती की दुआ करते हैं तेरी हिफाजत की दुआ करते हैं और दुनिया भर में ख़ुदा जो हुक्मरान हैं हम उनको खुदा तेरी सलामती के स्पुरद करते हैं और हमारी दुआ के हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी को आसन तौर पर पूरा करें और इस वक्त में खुदा कोई भी अपनी पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं खुदा अपनी खुद गर्जी को अपने सामने ना रखे बल्कि खुदा अपने लोगों को अपने सामने रखे और तेरी मर्ज़ी को पूरा करें और जो काम तूने उनके स्पुरद किया है उसको पूरा करने के लिए दिन और रात काम करें बाप उस्मानी हम इस वक्त दुआ करते हैं कि वो तमाम लोग जो इस वक्त खुदा बंद लाइन पर हैं ख़ुदा नाम डॉक्टर नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ का जिक्र किया इस वक्त खुदा हम तमाम असेंशियल बिज़नेस पर काम करने वाले लोगों के लिए से दुआ करते हैं हम उनको तेरी सलामती और तेरे फ़जल के स्पुरद करते हैं और उन खुदांद बिजनेस के लिए भी जो नान असेंशियल बिज़नेस कहलाते हैं लेकिन उनके लिए भी सहूलत फरहम की गई क्या कि वो अभी अपने बिजनेस को रिस्ट्रिक्शन के साथ खोल सकते हैं आए बपानी हम उनकी सलामती के लिए भी खुदा तेरे हजूर दुआ को होते हैं और वापस मानी हम मिन्नत करते हैं तो उनकी भी हिफाज़त कर और वापस मानी हम इस वक्त मिन्नत करते हैं पुलिस के लिए नेशनल गार्ड्स के लिए रेंजर्स के लिए आर्मी के लिए जो खुदांद अपने अपने मुल्क में और अपने अपने ख़िते में अपने लोगों की हिफाजत के लिए काम करते हैं उन सब को खुदा तो अपनी सलामती और अपनी हिफाजत मिले हम तेरे तमाम खाद्मों को जो खुदा इस शहर स्टेट इस मुल्क बल्कि दुनिया भर में खुदा में तेरी खिदमत कर रहे हैं ऑनलाइन खुदा मुंद कलाम तेरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं दुआ कर रहे हैं उन सब को भी खुदा बरकत दे और सुनने वालों को बरकत दे और खुदा तो अपने लोगों को महफूज कर और खुदा तेरे नाम की तमजीद हो अब आपस मानी हम इस वक्त उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो खुदा इस वबा की वजह से करोना वायरस की वजह से खुदा इस वक्त खुदा जॉब लेसें हम उनको तेरी सलामती के स्पुरद करते हैं क्योंकि उन पर बहुत सारे ख़तरे जो हैं वो मुंडला रही हैं लेकिन ऐसे वक्त में तो वो खुदा है जो खुदा उनकी मदद कर सकता है और तू अपने आसमान को उनको खोल कर फजल कर सकता है इसी तरह खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं कि ख़ुदा तू अपना रहम कर अपना फजल कर और दिन भर खुदा हमें अपनी सलामती में रख वो सारे नाम जिनका जिक्र कल भी हमने तेरे सामने किया वो तेरे सामने हैं और उनकी शक्लें तेरे सामने हैं उनके नाम तेरे हाथ की हथेली पे खुदे हुए हैं उन सब को हम तेरी सलामती के स्पुरद करते और उनकी सेहत तो तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं और वापस मानी तो अपना रहम कर फजल कर दिन भर हमारी रखवाली कर और खुदा अपनी कुर्बत में रख तेरे बेटे यस्ू के चला ली और पाक और मुकदस नाम में मांग लेते हैं आमीन मसी में मेरे अजीज भाई और बहनों साउथ एशियन होप चर्च खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो खुदा का फजल आप पर रहे आप और आपके ख़ानदान और आपके घरों पर खुदा उनकी हिफाजत सदा रहे और आप खुदा उनके जलाल के लिए बढ़ते और कुत पाते रहें और मेरी उन सब लोगों के लिए भी दुआ है जो इस वक्त ऑनलाइन जो है जिन्होंने सुना या सुने गए उन सब पर खुदा उनका फजल हो उनके घरों पर उनके प्यारों पर और मैं आज फिर आपको खुदा के बेटे खुदा उनकी सुनसी के लहू में जो है वो छिपाता हूँ और खुदा के बेटे यीशु के खून में कवर करता हूँ आपकी सलामती की दुआ करता हूँ और आप जहाँ कहीं हैं खुदा के परों के साय के नीचे महफूज़ रहें क्योंकि वो आपका मुहाफ़ निगबान और चुपान है खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रुल खुद के नाम में आमीन